यहाँ पर देखिए ये है मेरी मनी प्लांट, और यहाँ पर देखिए कैसे जो है इसके हालात हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब, क्योंकि मैंने भी कोई गौर नहीं दी थी इस पर, देखिए विंटर होने के कारण। और इतनी सारी लीव्स जो हैं इसकी जो है सूख गई हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा अब तेज धूप जो है पड़ी है, और इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस जो है नीचे की तरफ जो है बहुत सारी जो है लटकी हुई हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पानी भी जो है बहुत कम दिया जा रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है अपने एक छज्जे पे जो है पिलर बना हुआ है, उसके यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है, तो सभी प्लांट्स को जो है पानी देने जाती हूँ, लेकिन इसमें जो है पानी जो है रह जाता है कभी कभार। तो फ्रेंड्स आज देखिए मैं इसी को ही जो है ठीक करने के लिए जो है इसको मैंने नीचे उतारा है, और इसकी सारी जितनी भी सूखी हुई लीव्स है सबको हटा दिया है, और फ्रेंड्स जितनी भी इसकी ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं इन सबको भी जो है मैं स्मॉल स्टिक पे जो है अटैच कर दूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं, ये सब की सब जो है हमें हटा देनी है, क्योंकि जैसे कि अब मौसम जो है हमारा समझता है, तो ये अच्छे से जो है ग्रोथ करेगा हमारा मनी प्लांट ये, और इसकी लीव्स जो है अच्छे से जो है ग्रीन हो जाएंगी। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या है करना है, तो मैं इन सबको पहले हटा लेती हूँ, फिर आपसे जो है मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जितनी भी जो है सूखी हुई पत्तियाँ थी सब की सब मैंने जो है हटा दी हैं, और ये मॉस स्टिक है इस पर देखिए मैंने इस जो है मेरे पास एक वेस्ट ये थ्रेड पड़ा था, और इससे मैंने इसको बांध दिया है, यहाँ पर भी मैंने इसको जो है बांधा है देखिए। तो मैंने इसकी सारी ब्रांचेस को जो है ऊपर की तरफ जो है मॉस स्टिक पर जो है लपेट दिया है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए जैसे इसकी लीव जो है ये थोड़ी पीली पड़ गई हैं, और ये थोड़ी जो है धूल में हो रही हैं, तो इन सबको जो है मैं वॉश कर दूँगी पानी का जो है फवारा या स्प्रे से ही इनको, तो ये पत्तियाँ जो है हमारी सुंदर सी जो है दिखने लग जाएंगी, और हमारे जो ये मनी प्लांट का गमला इसमें भी जो है पानी जो है इसे अच्छे से जो है मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप कभी पानी दें तो इसकी मॉस स्टिक जो है इस पर जो है पानी ज़रूर दें यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतने सारे पत्ते जो है मुझे इस मनी प्लांट के मिले हैं, इन सब पत्तों को जो है मैं फेंकूंगी नहीं, इनको जो है मैं अपने किसी भी जो है गमले में जो है नीचे की तरफ डाल दूंगी, और ऊपर से सॉइल मिक्सचर डाल दूंगी, तो ये मेरा जो है बहुत बढ़िया जो है खाद बन जाएगा। और इस पानी में जो है हमें मिलाना है, देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने ली है ये नीम की खली, तो एक मुट्ठी के करीब जो है मैं इसे डाल दूंगी, क्योंकि और फ्रेंड फिर उसके बाद हमें लेना है ये देखिए बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद जो है 1 से 2 साल जो है पुरानी है, क्योंकि मैं जब गांव जाती हूँ तो मैं वहाँ से जो है काफ़ी सारी जो है ले आती हूँ, तो वहाँ पर अच्छी मिल जाती है सड़ी हुई खाद, तो इसको भी हम जो है इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों चीज़ों को हम जो है ओवरनाइट जो है भिगो के रख देंगे, तो उसके बाद फिर हम जो है इसका जो है लिक्विड बनाकर जो है अपने मनी प्लांट में देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं देखिए हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसे जो है थोड़ा सा पानी मिला के जो है इसे दूसरी बाल्टी में जो है ट्रांसफ़र कर लूँगी, देखिए ट्रांसफ़र कर लूँगी सॉरी। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो है इतना लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है हमें मिल गया है अपनी मनी प्लांट में जो है डालने के लिए। अब मैं क्या करूँगी इसमें मिला लूँगी मैं पानी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए मैंने 2 लीटर के करीब जो है इसमें पानी मिला लिया है। अब मैं अपने सभी मनी प्लांट को जो है दे दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए ये वही मनी प्लांट है जिसके मैंने सारे सूखे पत्ते हटा दिए और मॉस स्टिक पे अच्छी तरह से जो है इसको लगा दिया। अब आप इसकी हालत देख सकते हैं, और जबकि हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा जो है इसमें इम्प्रूवमेंट जो है हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसमें खाद देते हैं, ये अपना जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र और थोड़ा सा ही लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम इसमें देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो जगह बिल्कुल नहीं है इसको बनानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है हम 1 गिलास के करीब लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है हम इसमें दे देंगे, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिजल्ट जो है मिलेगा। छोटे छोटे पौधे जो है मेरे जो है जीने रेलिंग पे जो है लगे हुए हैं जीने पे, इनमें भी जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा फर्टिलाइज़र जो है दे दूँगी ताकि इनमें जो है अच्छी ग्रोथ जो है बन जाए। मैंने दे दिया, और इस फर्टिलाइज़र को आप जो है 20 से 25 दिन के गैप में जो है दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी मनी प्लांट में बहुत प्यारी प्यारी सी जो है शूट्स निकल के आएंगे, नई नई लीव्स तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए काफ़ी अच्छी अच्छी लीव्स जो है निकल के जो है इसमें आई हैं।